हेलो बच्चों, वेलकम टू गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों, अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 12.3 से, ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक ऐसी फिगर दे रही हुई है हमारे पास, जिसकी रेडियस क्या है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। तो इसने बोला फाइंड द शेडेड एरिया, तो वो ये अगेन शेडेड एरिया में फाइंड करना है। तो बच्चों याद रखो, इसके अंदर तीन फिगर सामने आ रही है जो हमारे पास, एक है ट्राइंगल, सेकेंड है इसका क्वाड्रेंट, और थर्ड क्या है जो इसके जो डायगोनल से बन रहा है, डायगोनल से जाता हुआ एक सेमी सर्कल। तो इसका इसके अंदर क्या है सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले इसे समझते हैं, तीन फिगर है। नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, इसके अंदर एक ट्रायंगल बनेगा। सेकंड जो है क्या है, को इसके अंदर क्या है एक क्वाड्रेंट बनेगा। और थर्ड क्या बन रहा है इसके अंदर, एक क्वाड्रेंट, ये जो इसका डायगोनल है इससे होता हुआ क्या है एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, तो मैं इन तीनों में क्या हुआ है, इन तीनों की हेल्प से क्या करना है, हमें शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसके अंदर तीनों पार्ट का क्या एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहला क्या दे रखा है इसके अंदर, ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले क्या करते हैं हम, इसका डायगोनल भी निकाल देते हैं। तो याद रखना, इसका डायगोनल कैसे निकलेगा, हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, देखिए ये एक तरह से क्या बन रहा है, स्क्वायर। वैसे तो हम इसके अंदर पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन याद रखना ये एक तरह से क्या बन रहा है, डायगोनल। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, वी हैव साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ ट्रायंगल लिख देते हैं हम यहाँ पर, साइड ऑफ ट्रायंगल जो है 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायगोनल होगा वो होगा साइड इंटू में √2, साइड इंटू √2 जो जाएगा हमारे पास 14√2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो डायगोनल आ जाएगा वो आएगा 14√2 सेंटीमीटर। कई बच्चों को ये वाला अगर फार्मूला नहीं समझ में आए तो वो पाइथागोरस लगा के कर सकता है। जैसे ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइट, बेस और ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटनेस। आप पाइथागोरस लगाओगे तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन ये क्या है डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, डायगोनल का वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है √2। ए मीन्स साइड, तो देखो यहाँ से ए बनेगा, तो फार्मूला क्या है √2 जो है 14√2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, अपना टाइम इजली बचा सकते हो फार्मूला शो कर कर। अब बढ़ते हैं आगे, तो हमारे पास ये आ चुका है। तो पहला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा क्या है क्वाड्रेंट, और तीसरा क्या है सर्कल। तो सबसे पहले एक एक कर करके हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस होगा 14 और हाइट भी होगी 14, कैंसिल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 7। तो आंसर आ जाएगा 14 को 7, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ चुका है फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड करेंगे, तो जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा, अब क्या करते हैं सेकंड जो कि है क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा θ/360 πr². तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल बनेगा 90/360 इंटू 22/7 एंड आर की वैल्यू क्या है 14 इंटू 14। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये 9 4 पे जाए कैंसिल होगा, 7 1 जा 7 7 2, और यहाँ करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अगेन सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2, तो यहाँ पे जाएगा 11 इंटू 14। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 14 एंड 14, आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम इसी तरह करेंगे थर्ड पार्ट इसका सॉल्व। तो जब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं
थर्ड पार्ट जो कि ये पूरा पार्ट है थर्ड। तो याद में इसमें डायगोनल डायमीटर कितना दिया हुआ है हमारे पास 14 रूट टू जो अभी पूरा आया था। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 14 रूट टू डिवाइड बाय टू जो कितना हो जाएगा 7 रूट टू। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो कि हमारे पास क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 एंड आर की वैल्यू क्या आएगी विच इज 7√2 × 7√2। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2 से 11 कैंसिल होगा और 7 से 7। तो यार ना 11 × 7√2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 × 2 = 14 एंड 14 को 11 से करेंगे अगेन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का भी आंसर आ चुका है। अब याद रखना अगेन, अब जो सबसे जो मेन लाइन है वो मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ वो है नाउ शेडेड एरिया। नाउ शेडेड एरिया बच्चों ध्यान देना, शेडेड एरिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल में प्लस करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे प्लस करेंगे और उसमें माइनस कर देंगे पूरा क्वाड्रेंट, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आप इसे समझने के लिए क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके ठंडे दिमाग से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा। देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है 154 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 98, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो हमारे पास है 154। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा 98, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देना पूरे सेमी सर्कल में इस एरिया को ऐड करना है तो पूरा एरिया टोटल हो जाएगा, माइनस कर देंगे जो हमें नहीं चाहिए जो कि क्वाड्रेंट है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो चुका है। आपके क्वेश्चन कैसा लगा अपना सवाल और सुझाव जरूर भेजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गोपाल शर्मा क्लासेस। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन विच इज़ गिवन बिलो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गोपाल शर्मा क्लासेस।